कांग्रेस की सरकार और उनके नेताओं पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगे होंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस के नेता पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी ये जानना चाहिए कि ये कांग्रेसी इतना नीचे गिर गए हैं और कांग्रेस शासित राज्य में क्या हो रहा है। अगर ऐसे कांग्रेसियों का यही हाल रहा तो कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। दरअसल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस के जिला महामंत्री पर राशन चोरी करने के आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि वो राशन चुराने वाले गिरोह के साथ मिले हुए थे। गौरव अग्रवाल लक्ष्मी राइस मिल के मालिक हैं। उन पर आरोप है कि गिरोह द्वारा चुराए गए चावल को वो खरीद कर अपने मिल पर रखते हैं। मामले को लेकर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है, लेकिन अग्रवाल साहब फरार हो गए हैं। मामले का खुलासा ऐसे हुआ है कि पुलिस की स्पेशल टीम ने 5 अगस्त को राशन दुकानों का ताला तोड़कर चीनी और चावल चुराने वाले गिरोह के सदस्यों को पकड़ा था। आरोपियों के पास से 500 बोरी चावल मौके पर बरामद हुआ। इस दौरान उनके पास से गाड़ी भी मिली। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि वो जिस राइस मिल में चावल बेचते हैं वो कांग्रेस नेता गौरव अग्रवाल का है। नाम सामने आने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इस घटना की जानकारी भी नहीं है। दूसरी तरफ चावल चोरी में कांग्रेस नेता का नाम सामने आते ही बीजेपी के नेता सक्रिय हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने SP दीपक झा से मुलाकात कर मिल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के नेता अब चावल चोरी करने पर आमादा हो गए हैं, क्या हाल हो गया कांग्रेस का। हो सकता है कि चावल चोरी करने के आरोपी नेता गिरफ्तार हो जाए, लेकिन दाग कांग्रेस के ऊपर लग गया है और इसका नुकसान राज्य में कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।